सभी को गुड मॉर्निंग, अभी गुड आफ्टरनून हो गया। प्रेसिडेंट अरुणाचल ट्रांसपोर्ट फेडरेशन रवि सोनाम जी, आज का ऑन टेकिंग सेरेमनी का चीफ गेस्ट पीटीओ साहब श्री वांसु सर और गेस्ट ऑफ ऑनर युमला माचुम जी, प्रेसिडेंट इंटरनल मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन और न्यू इलेक्टेड जो मेंबर है आपका प्रेसिडेंट डी के राजू जी और जनरल सेक्रेटरी रीता ताई जी और आपका टीम को लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं ओसे ईटानगर आया आपका ये महीना का 3 तारीख में और आज भी मुझे यहाँ, मैं भी अचुन साहब का जैसे ही सोचा है कि चलो थोड़ा चाय पानी पी के आता हूँ तो गेस्ट स्पेशल गेस्ट बना दिया, तो हम लोग तो पुलिस वाला ये इसका आदत नहीं है। दूसरा चीज जो है फिर भाषण मारो बोला, फिर भाषण का भी आदि नहीं है। चलो ठीक है, भाषण भी कभी कभी वो कुछ नहीं है, जस्ट एक्सप्रेशन ऑफ एक दूसरे का फीलिंग हो ना, आप क्या सोचते हैं। ईटानगर सबसे पहले एज पुलिस पोस्ट में फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन मैं पहले यहाँ रह चुका हूँ और आप लोग का नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जॉब से पहले भी मैं यहाँ ईटानगर में अनएम्प्लॉयड में था कॉलेज का समय में, फिर मैं आप सब का लीडर बन के भी यहाँ में जो लोग साहब का समय में मैं काफ़ी साल यहाँ में था। तो ईटानगर कहाँ रहने को मैं हमेशा मतलब मानता ही नहीं, मैं उसको पूजा करता हूँ क्योंकि मैं मुझे माँ बाप ने पाल भर के बड़ा किया और यहाँ भेज दिया पढ़ाई कर पिटाई करा के और इसने मुझे पहचान दिया, नाम दिया, काम दिया, तो आज मैं आप सबका सामने हूँ। तो यहाँ आदमी अपना 2 वक्त का रोजी रोटी मिलता है और जहाँ अपना जिंदगी में कुछ बनता है या कुछ करता है कम्युनिटी के लिए या सोसाइटी के लिए, वो जगह सबसे बड़ा होता है। तो ये मेरा नेटिव है, मेरा बात बोलने से पहले इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी आदमी सोचता है कि पुलिस वाला जो हमेशा दूसरा एक नेगेटिविटी से काम करता है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जगह से मेरा लगाव है, ऐसे भी मुझे बहुत प्यार है। ऊपर से बीइंग ए सन ऑफ दिस स्टेट, मेरा पुलिस बनो मत बनो मेरा अपना रिस्पॉन्सिबल है, आई एम एंसरेबल एंड आई एम मेरा जगह से मेरा बहुत ये मतलब होता है और हम कभी अपना जगह का हित का खिलाफ कभी हम सोच नहीं सकते हैं। इसलिए उसी पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा एक वल्नरेबल सिचुएशन में होता है, कभी गलती भी हो सकता है, लेकिन उसमें कभी भी गलत इंटेंशन अपना जगह खिलाफ नहीं होगा। तो जहाँ तक आज का ऑफ टेकिंग का आप लोग का ये है और ईटानगर टाटा मोबाइल केमिस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनियन का, मैं रियली मैंने डोबिंग सोनाम जी को अप्रिशिएट करता हूँ। आपने आपका अंदर आपका एसोसिएशन का अंदर में बहुत बढ़िया से बहुत पीसफुल वन ऑफ द बेस्ट इलेक्शन हमने जो देखा है। हम बहुत जगह जहाँ पोस्टिंग है देखा है कि झगड़ा होता है, थोड़ा हल्ला गुल्ला होता है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ भी कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो रियली मैंने आप उल्टा आप लोग से आप थैंक्स देना चाहूँगा ना, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग का प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम हमारा हो जाता है, इसलिए हम लोग बहुत टेंशन होते हैं ना। तो टेंशन फ्री इलेक्शन होना भी बहुत बड़ा बात है। और जैसे आप साहब लोग प्रीवियस स्पीकर अमित सोनाम जी बोल रहा था कि हम लोग ऑपरेशन में करना है, ओके हम ये बात कहीं भी हम बोलते हैं पक्का बात है, हम लोग पुलिस और पब्लिक एकदम दो एक मतलब शिक्षा का 2 पहलू है। हम लोग एक दूसरे का मतलब पब्लिक और पुलिस को बिना चल ही नहीं सकते। हम पब्लिक है यूनिफॉर्म में और आप पुलिस है सिविल ड्रेस में, आप और हम कोऑपरेट करके काम कर सकते हैं। और दूसरा चीज जो आप बोल रहे हैं जैसे रोड पे गाड़ी चलता है, तो यहाँ ऐसे नहीं कि ये जो गाड़ी 12 गाड़ी चलाने वाला ही ड्राइवर है, ड्राइवर वो सब है जो गाड़ी चलाता है, हम भी ड्राइवर है, कहीं ना कहीं आप सब ड्राइवर है।
जब भी ड्राइवर अपना गाड़ी चलाता है रास्ता में निकलता है तो हम लोग जैसे कहावत होता है स्कूल में टीचर का बात मानना है, घर में माँ बाप का बात मानना है, सीनियर का बात मानना है, रोड में ट्रैफिक का और लोगों का बात को मानना है, ऐसा चलेगा तो लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ तो अभी ट्रैफिक का भी मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल है, नीचे साहब तो बाद में विस्तार से भी बोलेगा शायद, क्योंकि आपने देखा है कि ईटानगर का रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ बेस्ट वे जो हमारा एसपी साहब ने जो शुरुआत किया है कि एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करना, क्योंकि मैंने मिजोरम को एजोर को देखा है, वहाँ का रास्ता तो हम से बहुत छोटा है लेकिन वहाँ बोर्ड भी नहीं बजाते हैं, ओवरटेक भी नहीं करता है, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि हम लोग का आदमी जो है क्यों रश होता है, क्योंकि हम लोग आराम से निकलते हैं, समय नहीं निकलते हैं, 10 बजे ऑफिस से 10 बजे निकले, सब 10 बजे निकलते हैं, आपका ऑफिस 10 बजे तो आप 9 बजे निकालिए, 8:30 को निकालिए या 7:30 को निकालिए, तो आराम से पहुंचेगा, थोड़ा एडवांस जाना है, तब क्या होता है कि रोड में वो एक प्रोपोर्शन में रहेगा, एक ही टाइम में सब निकल जाने से तब जाके ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा चीज